का कांग्रेस नेता जो धरातल पर अब तक बाजार नहीं आए, वो उनकी मजबूरी होगी कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो? मजबूरी तो सभी की होगी, जब गांधी परिवार से कोई आएगा तो सभी जाएंगे, स्वाभाविक रूप से मजबूरी में ही जाएंगे। वहाँ भी पैदल नजर नहीं आएंगे, वो एक उम्र का तगाजा भी होता है। दरअसल ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव शशि थरूर जी लड़ना चाहते होंगे और जो कोरा लिफाफा है उस पर वो अपना पता भरना चाहते होंगे। ये नीति जो बनी है उसमें अब पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दो पर हमारे कैदियों की रिहाई का था, अब बाबा साहब अंबेडकर जी के 14 अप्रैल जयंती के अवसर पर भी कैदियों की रिहाई होगी और 2 अक्टूबर श्रद्धेय गांधी जी की जयंती पर भी कैदियों की रिहाई होगी। ऐसे 4 अवसर साल में ऐसे होंगे 2 की जगह जिन पर इसका लाभ मिलेगा। बहुत कठिन टास्क था, अंधी मर्डर थे वो, अंधी हत्याएं थी, लेकिन सागर पुलिस को बधाई कि वो पीछा करते हुए, चूंकि वो जो उसने दूसरे या तीसरा जो मर्डर किया था सीरियल किलर में, उसका मोबाइल ले आया था जिसका मोबाइल का फॉलो करते करते भोपाल तक आए, भोपाल में पकड़ा, पर वो भोपाल में एक हत्या चौकीदार की और कर चुका था जो उसी ने कबूल की, जो बाद में जाके शिनाख्त भी हुई। जो आधार कार्ड है उस पर उसका नाम शिव प्रसाद है, सागर जिले के केसली थाना के अंतर्गत रहता है। वो 3 घटनाएं सागर की उसने की हैं, अभी और डिटेल निकाल रहे हैं, पूछताछ उसके जारी है और इसको पकड़ लिया है। इसके लिए पुलिस को बधाई, अंधे कत्लों की गुत्थी उन्होंने सुलझाई। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।